ठीक है सैंडल्स के परफेक्ट पेयर लेकिन ये चैप्टर किस बेसिस पर है ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पॉइंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत इसेंशियल पॉइंट है जिसका नाम है कंटेंटमेंट ये एक ऐसी फीलिंग होती है चिल्ड्रन ये एक ऐसी फीलिंग होती है जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें भगवान ने दी रखी हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं आने आ, ऐसी चीज़ों की कामना या ऐसी चीज़ों की ख्वाहिशात रखते हैं जो शायद हमें ना मिल सके ठीक है या हम अपने आप में इम इम्परफेक्शन समझते हैं लगता है कि ये चीज़ें हमारे अंदर की अभी कमी है मुझे इतना होना चाहिए था मुझे वैसा होना चाहिए था ये हम लोगों के अंदर की बहुत बड़ी कमी है ठीक है तो जो भगवान ने दिया है अगर हम उस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं तो इसी फीलिंग को कहा जाता है कंटेंटमेंट कौन सी फीलिंग कंटेंटमेंट देखिए चलिए देखते हैं एक छोटे से नजर डालते हैं रीड अहेड यानी कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है गॉड हैज़ ब्लेस्ड अर्स विथ मेनी जॉयज ऑफ लाइफ भगवान ने हमें ब्लेस्ड किया है या वरदान दिया है हमारे लाइफ के बहुत सारे खुशियों के साथ वी लिव इन अ स्पेसियस हाउस स्पेसियस का मतलब जहाँ पे ज़्यादा जगह हो ठीक है जिसमें जहाँ ज़्यादा स्पेस हो तो हम बड़े घर में या ज़्यादा जगह वाले घर में रहते हैं हैव अ केयरिंग फैमिली हमारे पास एक केयरिंग फैमिली है एंड ईट द फाइनेस्ट फूड और हम अच्छे से अच्छा भोजन भी खाते हैं बट स्टिल वी लुक आउट फॉर बेटर लेकिन अब तक अब भी अब भी हम लोग क्या करते हैं कुछ बेटर की ख्वाहिश रखते हैं एंड मोर मेटेरियलिस्टिक थिंग्स और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की कामना रखते हैं वाई क्यों लेट एस फाइंड आउट चलिए आज हम लोग इस आ, स्टोरी के जरिए से सीखते हैं कि क्यों हम लोग ऐसा करते हैं और ऐसा करना क्या सही है या गलत स्टोरी देखते हैं अ फैशनेबल लेडी इंटर्ड अ फुटवेयर स्टोर इन सर्च ऑफ अ न्यू पेयर ऑफ सैंडल्स आई रिपीट अ फैशनेबल लेडी फैशनेबल लेडी यू नो कि जो बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो फैशन और ट्रेंड्स के बारे में जिसको ज़्यादा नॉलेज हो जो बहुत ज़्यादा शौकीन हो ऐसी लेडीज़ को कहा जाता है खासकर लेडीज़ इन मामलों में तेज़ होती भी हैं तो क्या है कि अ फैशनेबल लेडी इंटर्ड इंटर्ड का मतलब होता है अंदर गई या अंदर आई अ फुटवेयर स्टोर फुटवेयर स्टोर यू नो कि जूते चप्पल की दुकान के अंदर आई इन सर्च ऑफ अ न्यू पेयर ऑफ सैंडल्स किसकी खोज में एक नए पेयर सैंडल्स की खोज में यानी कि एक नया जोड़ा वो सैंडल्स लेने के लिए फैशनेबल लेडी उस दुकान के अंदर आई शी ट्राइड एवरी सैंपल अवेलेबल इन द स्टोर उसने प्रयास किया सारे सैंपल्स का जो उस स्टोर में थे उस दुकान में जितने भी सैंपल्स थे उसने सब पर प्रयास किया द फ्लैट्स द हील्स द वेजेस ठीक है जिस टाइप के भी सैंडल्स होते हैं उन सब पर ट्राई किया नन ऑफ देम सीम्ड टू स्विट हर फीट लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसके फीट पर स्विटेबल नहीं है उसको फिट नहीं है फिर क्या होता है डिसअपॉइंटेड अब अगर आपको कोई चीज़ लेने जाएं और आपके मन का ना मिले आपके मन के मुताबिक का ना मिले तो आप बिल्कुल निराश हो जाते हैं तो डिसअपॉइंटेड हो गई शी वॉज़ अबाउट टू लीव द स्टोर क्या हुआ कि वो बिल्कुल निराश हो गई और वो बिल्कुल दु, दुकान को बस छोड़ने ही वाली थी या निकलने ही वाली थी अबाउट टू देखिए यहाँ पे पॉइंट आउट कर लीजिए इसको अबाउट टू का मतलब होता है वाला मतलब आप कोई काम बस फिनिश करने ही वाले थे तो ऐसा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अबाउट टू का यूज किया जाता है चलिए देखते क्या लिखा है शी वॉज अबाउट टू लीव द स्टोर वो दुकान से बस निकलने ही वाली थी वेन शी नोटिस्ड अ पेयर लाइंग नियर द एंट्रेंस ऑफ द स्टोर उसकी नजर किस पर पड़ी एंट्रेंस का मतलब होता है द्वार पर जहां से एंटर हुआ जाता है उसी एंट्रेंस को द्वार कहा जाता है तो दुकान के बिल्कुल एंटर वाले पॉइंट पर या एंटर वाले एरिया पर क्या मिला उसको एक नजर पड़ी कि वहां पे भी एक पेयर रखा हुआ है शी पुट देम ऑन उसने क्या किया उसको तुरंत पहन लिया पुट ऑन का मतलब होता है पहन लेना एंड वॉज डी लाइटेड टू फाइंड दैट द पेयर स्विटेड हर परफेक्टली और क्या हुआ जैसे एक बार होता है कि हम हैप्पी हैं लेकिन जब हम बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं ठीक है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं डिलाइटेड क्या यूज करते हैं डिलाइटेड यानी कि वेरी हैप्पी की जगह पे हम लोग डिलाइटेड यूज करते हैं तो क्या करती है कि जैसे उसने देखा कि एंट्रेंस पे भी एक जोड़ा रखा हुआ है सैंडल का वो तुरंत उसको पहन लेती है और बहुत खुश होती है ये देखकर कि ये वाला इसके पैर पे बिल्कुल परफेक्टली आ गया ठीक है फेक्टली आ गया शी आस्ट द स्टोर मैनेजर अबाउट द प्राइस ऑफ द सैंडल्स उसने uh, क्या किया कि सैंडल्स के दाम को स्टोर मैनेजर से पूछा ठीक है अब देखिए क्या हुआ एन अम्यूज स्टोर मैनेजर टोल्ड हर इट इज फ्री मैडम यू कैन यूज दिम बहुत मुस्कुराकर अम्यूज अम्यूज वर्ड क्या है यहां पे लिखा ना अम्यूज ये अम्यूज क्या है म्यूज का मतलब होता है मुस्कुराकर या स्माइल के साथ ठीक है एक मुस्कुराहट के साथ मैनेजर ने कहा कि मैडम ये फ्री है आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं यहाँ इसे ले जा सकती हैं द लेडी वॉज सरप्राइज्ड अगर आपसे कोई दुकानदार कहे कि ये आपके लिए फ्री है तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे ना तो वो लेडी भी बिल्कुल हैरान हो गई वाई उसने पूछा क्यों द स्टोर मैनेजर रिप्लाइड तो स्टोर मैनेजर ने कहा दैट वॉज द पेयर यू हैड ऑन योर फीट वन यू केम इन ये वही जोड़े हैं जो आप अंदर आते वक्त पहन कर आई थी यू रिमूव देम टू ट्राई द्यू सैंडल्स और न्यू सैंडल्स को ट्राई करने के लिए आपने इन्हें उतारा था वेरी ऑफन अब देखिए आप समझ में आई ना बात कि क्या कहना चाह रहा है वेरी ऑफन वी फेस सिमिलर सिचुएशंस इन आर लाइफ बिल्कुल इसी तरह से हम लोग भी अपने लाइफ में ऐसे सिचुएशंस को फेस करते हैं समटाइम्स वी हैव द बेस्ट थिंग्स अराउंडस कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन चीज़ें होती हैं बट स्टिल वी लुकिंग आउट फॉर मोर थिंग्स लेकिन तब भी हम क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा या उससे बेहतर की खोज में लगे रहते हैं दिस इज बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वॉट वी हैव ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उन चीज़ों से सेटिस्फाइड ही नहीं होते हैं जो हमारे पास होता है एक्चुअली वी वरी अबाउट द थिंग्स वी डू नॉट हैव हम उन चीज़ों के लिए चिंतित होते हैं परेशान होते हैं जो हमारे पास एक्चुअली होते ही नहीं हैं एंड फॉल फेल टू थैंक गॉड फॉर द मेनी थिंग्स दैट वी हैव और भगवान का शुक्रिया अदा करने में भूल जाते हैं ठीक है भूल जाते हैं uh, जो हमारे पास उन्होंने दे रखा है इसका मतलब जो हमारे पास नहीं है हम लोग उसकी चिंता में ये भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है और उसका शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं और ऐसा हमेशा होता आया है सभी जानते हैं वैन वी आर हैप्पी विथ वॉट वी हैव जब हम खुश रहेंगे जो हमारे पास चीज़ें हैं उन पर एंड डू नॉट डिज़ायर फॉर मोर डिज़ायर का मतलब होता है क्या है इच्छा डिज़ायर मतलब यहाँ पे लिखा ना डिजायर, डिजायर का मतलब क्या होता है इच्छा आपकी विशेष जो होती हैं वो तो देखिए क्या है कि अगर हम खुश रहें जो हमारे पास है और उससे ज्यादा की इच्छा ना करें we are contented तो इसका मतलब कि हम भगवान से राजी हैं या हम उनके दिए हुए में खुश हैं contentment is a state ऑफ़ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन कंटेंटमेंट एक ऐसा स्टेट एक ऐसा सिचुएशन है किसका खुशी और सेटिस्फैक्शन का ठीक है संतुष्टि संतोष और खुशी का एक बहुत बड़ा स्टेट है जिसे हम कंटेंटमेंट कहते हैं पोजेशंस डू नॉट मेक अस हैप्पी जो पोजेशंस होता है जो अधिकार अधिकृत करना ना किसी दूसरे की चीज़ों पर अपना हक जमाना ये वाला जो फीलिंग होता है वो हमें खुश नहीं रख सकता ट्रू कंटेंटमेंट कम्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग एंड थैंकिंग गॉड फॉर द डिफरेंट गिफ्ट्स ट्रू कंटेंटमेंट क्या होता है कि जब वो तब आता है जब हम भगवान की दी हुई चीज़ों को एक्सेप्ट करें और उस पर शुक्रिया भी करें ही गेव ही हैज़ गिवेन अस लाइक और गुड हेल्थ अ फैमिली हैप्पी फैमिली द फूड वी ईट एंड दंडरफुल फ्रेंड्स दैट वी हैव उन्होंने हमें कौन कौन से गिफ्ट दिए हैं हमें अच्छा हेल्थ दिया है हमारे हम हमको सेहत दी है ठीक है और एक अच्छी सी फैमिली खुशहाल फैमिली दी है हमें दो वक्त का खाना मिलता है और बहुत सारे आपके पास वंडरफुल फ्रेंड्स भी हैं ठीक है ठीके? तो ये सारी चीज़ें के लिए हमें भगवान को डेली शुक्रिया अदा करना चाहिए और इन सबसे बहुत खुश रहना चाहिए रिमेंबर यू आर फॉर्चुनेट टू बी ब्लेस्ड विथ मेनी गिफ्ट्स ऑफ गॉड ये याद रखें कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं यहाँ पे फॉर्चुनेट वर्ड लिखा है ना फॉर्चुनेट वर्ड का मतलब होता है सौभाग्यशाली तो आप हमेशा याद रखें कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको इन चीज़ों से नवाजा है या आपको ये सारी वरदान मिले हैं देयर आर मेनी हु आर स्ट्रगलिंग फॉर गुड हेल्थ ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छे स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए और एक सिक्योर्ड होम के लिए और दो वक्त या एक दिन के खाने के लिए तरसते हैं या स्ट्रगल करते हैं तो थैंक गॉड फॉर योर गिफ्ट्स एंड फील कंटेंडिड इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा करें और जो भी चीज़ें हैं उसमें कंटेंटेड या सेटिस्फाइड फील करें तो आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी बिल्कुल बहुत मोरल स्टोरी थी मुझे मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और इसमें काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स भी यूज हुए हैं सो so, आपको क्या करना है नीचे, नीचे यहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए सॉरी oh, यहाँ पे ये मीनिंग्स लिखे हुए हैं ना इन मीनिंग्स को आपको क्या करना है कि, कि किसी कॉपी में राइट डाउन कर ले और इसका मीनिंग uh, पढ़कर uh, उसमें सेंटेंसेज में कन्वर्ट करिए ताकि आपको ये आ जाए कि कैसे इनको यूज़ किया जाएगा ठीक है तो यह आपका स्टोरी था बहुत ही अच्छा था एंड आई होप यू ऑल हैव इन्जॉयड द वीडियो हैव अ गुड डे बाय